हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही क्यूट सा पाउच पर्स। आप इसे पर्स भी बोल सकते हैं, पाउच भी। बच्चों के लिए इस तरह का पर्स भी बना सकते हैं, उसमें कॉर्ड डाल के उनको दे दें, या आप पाउच बना लें, कोई भी चीज़ उसमें डालें। और क्रिसमस के लिए और किसी भी ओकेजन के लिए आप ये बना सकते हैं, किसी भी कलर का। ये देखें, इसका यू शेप आता है इस तरह करके। कोई भी चीज़ अंदर डाल के रख ले, पैसे एंड एवरीथिंग। ड्रेसेस के साथ मैच करके भी बना सकते हैं आप, बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये पाउच पर्स जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं 24 फंदे सिलाई पे डाल रही हूँ। लेकिन आप देखें, अगर और इसको चौड़ा करना हो पर्स को तो ज़्यादा फंदे डाल लें, और छोटा करना हो तो थोड़े फंदे डाल लें। मतलब ये बड़े के लिए भी बना सकते हैं, छोटे के लिए भी बना सकते हैं। आई एम कास्टिंग ऑन 24 स्टिचेस, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4, 24 स्टिचेस फॉर द साइज आई एम मेकिंग। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। आप उस हिसाब से फंदे डालें। 24 फंदे में डाल रही हूँ, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 स्टिचेस, मतलब पांच पांच के हिसाब से हम फंदे डालते जाएंगे, जितनी भी हमें विड्थ चाहिए, और आखिर में चार एक्स्ट्रा फंदे। जब डिजाइन बुननी होती है तो हम ऐसे फंदे डालते हैं कि भाई मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 और मल्टीपल ऑफ 2। ये मैं आपको डालती जाऊंगी, बताती भी जाऊंगी, ठीक है। और कास्ट ऑन के लिए कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फंदे सिलाई पे डालने के लिए कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको आता हो, अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है, आप सर्च कर लें कास्ट ऑन बाय क्लीनेस। अब मैं आपको बताती जा रही हूँ कि मल्टीपल ऑफ क्या है। ये देखें, मल्टीपल ऑफ 5, पांच पांच के हिसाब से फंदे डाल रही हूँ। 2 4 5 2 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। तो भाई ये मल्टीपल ऑफ 5 मैंने फंदे डाले, अब आखिर में चार फंदे डालूंगी एक्स्ट्रा। अब मैं गिनती हूँ कि मेरे पास 20 फंदे हैं, क्योंकि मैंने 24 डालने हैं ना। अगर आपने विड्थ और बड़ी बनानी है ना, चौड़ाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, और बड़ी बनानी है तो और ज्यादा फंदे पांच पांच के हिसाब से डालते जाएं। आखिर में सिर्फ चार एक्स्ट्रा डालने। मैं आपको गिन के बताती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 स्टिचेस नाउ प्लस 4 एक्स्ट्रा, चार फंदे, 2 3 4, 24 स्टिचेस आई हैव हेयर। 24 फंदे मैंने डाल लिए हैं सिलाई पे, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 स्टिचेस। अब फंदे डाल लिए हैं, अब एक सीधे एक उल्टे वाला आपने बॉर्डर बुन लेना है, जितना भी आपको चाहिए। मैं आपको बताऊंगी नाप के कि मुझे क्या इसकी लेंथ मिली है। एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर तो आपको आता है ना, अगर नहीं आता तो ये देखें, एक सीधा बुना एक उल्टा, नेट 1 × 1 रिब बॉर्डर। आई विल शो यू द मेजरमेंट्स स्टेप बाय स्टेप, सो यू डोंट वरी। रो 1 यहाँ कंप्लीट हो गई है, देखें, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधे एक उल्टे वाला हमने यहाँ पे बॉर्डर की पहली सिलाई बुनी है। रिटर्न रो पे भी आपने क्या करना है, सेम सिलाई को रिपीट करना है। सीधे पे सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टे पे उल्टा फंदा बुनेंगे, निट 1 पर्ल 1 वाई सेम पहली सिलाई, रो 2 एंड एवरी रो विल बी सेम एज रो 1, निट 1 पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1, दिस इज 1 × 1 रिब बॉर्डर। एक सीधे एक उल्टे वाला छोटा सा बॉर्डर बुन रही हूँ। 1.5 इंच हमने एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लिया है, निडल के ऊपर से नाप रही हूँ। आप नाप को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप कोई भी सिलाई इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके पास है, तो आपने नाप को फॉलो करना है, सिलाइयों को नहीं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कोई भी निडल इस्तेमाल कर लो, बस नाप को फॉलो कर लो। एक साइड वाला हमने बॉर्डर बना लिया है, अब करेंगे डिजाइन शुरू। तो अभी हम रो 1 से शुरू कर रहे हैं, और पहली सिलाई रो 1 पहली सिलाई राइट साइड सीधी साइड से शुरू कर रहे हैं, और पहली सिलाई से शुरू कर रहे हैं। पहली सिलाई आपने एक फंदा सीधा बुन लेना है। भाई ये एज स्टिच है, इसको स्लिप करें या सीधा बुने आपकी मर्जी है, सही है। मैं बिगनर्स के लिए कोशिश करती हूँ कि आसान रहे प्रोजेक्ट, इसीलिए सीधा बुन लेती हूँ। आपकी मर्जी है कि आप स्लिप करें या सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुना, अब दो फंदों को हमने धागा आगे करके उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, निट 1 एंड पर्ल 2, दिस इज 8 स्टिच, द फर्स्ट वन इज 8 स्टिच। इफ यू वांट टू निट और स्लिप, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। निट 1 एक फंदा सीधा, पर्ल 2 दो उल्टे, सही है, दो उल्टे और तीन फंदे सीधे, निट 3, 1 2 3। नाउ फ्रॉम हेयर रिपीट दिस,
पर्ल टू निट थ्री, पर्ल टू निट थ्री। अब अपने यहाँ से क्या करना है, जितने भी आपने फंदे डाले हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये तो एच स्टिच है ना, आपने क्या करना है, दो उल्टे तीन सीधे, दो उल्टे तीन सीधे रिपीट करने जाना है। पर मैं बिगनर के लिए मिस नहीं करूँगी रो, आपको बताती जा रही हूँ। देखिए, दो सीधे और उल्टे तीन सीधे, दो उल्टे तीन सीधे, दो उल्टे तीन सीधे, पर्ल टू निट थ्री, पर्ल टू निट थ्री, कीप रिपीटिंग दिस, निट थ्री, एक दो तीन, फिर से पर्ल टू निट थ्री, एक दो तीन, ठीक है। आखिरी तीन फंदों तक, आखिरी तीन फंदों तक आपने यही रिपीट करते जाना है, कीप रिपीटिंग पर्ल टू निट थ्री टू द लास्ट थ्री स्टिचेस। अब हमने क्या करना है, धागा आगे करके दो फंदों को उल्टा बुन लेना है, पर्ल टू, एंड नाउ दिस इज एट स्टिच, वी विल पर्ल दिस स्टिच। ये जो हमारा एट स्टिच है इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे, ये देखें इस तरह से, सही है। रो वन हमारी पूरी हो गई है, रो टू दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, रो टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई पीछे वाली उल्टी साइड, आपके जो भी चीज बुन रहे हैं प्रोजेक्ट उसकी। अच्छा, रो टू दूसरी सिलाई एक फंदा सीधा बुनेंगे, निट वन स्टिच। अब ये बहुत आसान है, देखिए उल्टी सिलाई पे क्या करना है, जो सीधे फंदे मिल रहे हैं उस पर सीधा, जो उल्टे उल्टा, लेकिन आप बिगनर हैं तो जैसे दिखा रही हूँ वैसे फॉलो करें। निट एज स्टिच, एज वाला फंदा आपने सीधा बुन लिया, इसको आप स्लिप करें भी आपकी मर्जी है। अब निट टू दो फंदे आपने सीधे बुनने हैं और तीन फंदे उल्टे बुन लेने हैं, एक दो तीन, फिर से रिपीट करते जाना है आपने, दो सीधे तीन उल्टे, दो सीधे तीन उल्टे, कीप रिपीटिंग दिस, निट टू पर्ल थ्री, निट टू पर्ल थ्री, निट टू दो सीधे पर्ल थ्री, तीन उल्टे फंदे, निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा, फिर से दो सीधे तीन उल्टे, तीन उल्टे, दो सीधे तीन उल्टे फंदे, टू द लास्ट थ्री स्टिचेस। आखिरी तीन फंदों तक आपने जितने भी फंदे होंगे इसी तरह रिपीट करते जाना है। अब आखिरी तीन फंदों को आपने कैसे बुनना है, निट टू दो सीधे फंदे बुन लें, और ये एट स्टिच है आखिरी, आखिरी फंदा, निट टू पर्ल दिस स्टिच, दो फंदे सीधे बुन के आखिरी वाले फंदे को उल्टा बुना हमने। आपने बस ये दिमाग में रखना है कि जब हम शुरू करेंगे तो पहला फंदा हमारा क्या होता है, सीधा या फिर स्लिप, और आखिरी हमने हमेशा ही उल्टा बुनना है। पर फिर भी अगर बिगनर हैं, कंफ्यूजन हो, तो आप जस्ट मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करते जाएं। अब तीसरी सिलाई जो है हमारी वो फिर से पहली की तरह होगी, मैं बुन के बताती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। स्लिप करें या सीधा बुने आपकी मर्जी है, निट और स्लिप एज स्टिच अप टू यू, मैं सीधा बुन रही हूँ, धागा आगे पर्ल टू उसी तरह पहली सिलाई की तरह, दो फंदे सीधे तीन उल्टे, इसको रिपीट करते जाएं, सॉरी दो फंदे उल्टे तीन सीधे, दो फंदे उल्टे तीन सीधे, पर्ल टू निट थ्री, पर्ल टू निट थ्री, कीप रिपीटिंग टू द लास्ट थ्री स्टिचेस, इसी तरह बुनते जाएं आखिरी तीन फंदों तक जैसे पहली सिलाई पे किया, पर्ल टू निट थ्री, दो उल्टे तीन सीधे फंदे। मेरी कोशिश है कि मैं बिगनर के लिए बहुत ही आसान करके समझाऊं, अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए फिर भी तो आप नीचे कमेंट करें, और जिन लोगों को वीडियो स्लो लगे वो प्लीज़ स्किप कर लें, क्योंकि देखें बिगनर्स को समझाना होता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है उनको, आसान इजी स्लो समझाना होता है, ठीक है। आखिरी तीन फंदों तक हमने क्या किया, उसी तरह रिपीट किया, दो उल्टे तीन सीधे, अब धागा आगे करके
पर्ल टू, दो फंदे उल्टे डिजाइन के और ये एट स्टिच, इसको भी उल्टा। अब फोर्थ रो चौथी सिलाई सेम एज रो टू, चौथी सिलाई रॉन्ग साइड जैसे दूसरी वैसे, फोर्थ रो सेम एज रो टू, निट वन, एक फंदा सीधा बुना एट स्टिच। अब क्या करेंगे, दो सीधे तीन उल्टे, दो सीधे तीन उल्टे, देखिए मिला भी हुआ है आपको, देखने से भी पता चल जाएगा कि ये देखिए उल्टे फंदे हैं ना, अब इनको उल्टा बुन लेंगे हम, एक दो तीन, बस अब यही रिपीट करते जाएं जैसे दूसरी सिलाई बुननी है हमने। निट टू पर्ल थ्री, निट टू पर्ल थ्री, फोर्थ रो चौथी सिलाई, दो सीधे तीन उल्टे। आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे फॉलो करते जाएंगे ना, तो एक दफ़ा में आप सारी सिलाइयाँ रिपीट कर लें और उसके बाद आपने, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप रिपीट करते जाएंगे पता चल जाएगा आपको। सही, आखिरी तीन फंदों तक हमने किया कि भाई दो सीधे तीन उल्टे, आखिरी तीन फंदों तक। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड है दूसरी सिलाई की तरह, अब हम क्या करेंगे, दो फंदे जो हैं हमारे सीधे, निट टू एंड पर्ल लास्ट वन एज स्टिच, एज वाला फंदा। अब ये देखें हमारी चार सिलाइयाँ हो गई हैं, फोर्थ फोर रो कंप्लीटेड, नाउ रो फाइव, फिफ्थ रो पांचवी सिलाई राइट साइड, सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की, एज स्टिच उसी तरह करेंगे, स्लिप और नेट आपकी मर्जी, स्लिप करें या सीधा बुने आपकी मर्जी है। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई, अब दो फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, ओ यस पर्ल स्टिच, पर्ल टू स्टिचेस, ठीक है, दो फंदे उल्टे बुने। अब गौर से आपने देखना है क्योंकि यही एक स्टेप है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस डिजाइन में। देखे तीन है ना जो फंदे बीच में, मिड वाला फंदा, दिस मिड स्टिच। नाउ काउंट फोर लूप्स एंड टेक द लूप आउट फ्रॉम द फिफ्थ होल, भाई चार आपने सुराख गिन लेने हैं यहाँ पे, ये देखें एक दो तीन चार, सही है, और ये पांचवें वाले होल में से, सुराख में से आपने ये इस तरह धागा घुमा के और लूप निकाल लेना है, फंदा निकाल लें, लूप बोल लें, फंदा बोल लें, जैसे आपको आसानी लगे। ऊपर ले आए, अब इसको टाइट भी ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा लूज भी नहीं करना, डोंट पुल इट टू टाइट, ठीक है। अब निट थ्री ये करें, लूप निकाला बाहर आपने पांचवें होल में से, ये देखें होल गिनने हैं, पांचवें होल में से लूप निकाल के आपने इस वाली सिलाई पे रखा है। अब तीन फंदे सीधे बुन लें, निट थ्री स्टिचेस, टेक द लूप आउट फ्रॉम द फिफ्थ होल, नाउ निट थ्री स्टिचेस, तीन फंदे सीधे बुन लें, सही है, ग्रिप को लूज रखना है आपने, टाइट नहीं करना ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से भी उसी होल में से एक इस तरह से लूप निकालेंगे, टेक द लूप आउट अगेन फ्रॉम द सेम होल, फिफ्थ होल, ये इस तरह से, ये देखें यूं करके, ये इस तरह से, फिर से कह रही हूं टाइट नहीं करना आपने, ठीक है, लूज थोड़ा सा, ज्यादा लूज नहीं, थोड़ा सा लूज, सही है। अब धागा आप आगे करेंगी और ये दो फंदे उल्टे बुनेंगी फिर से, मतलब आप यही रिपीट करते जाना है कि दो फंदे उल्टे और फिर आपने क्या करना है, यू विल गोइंग टू रिपीट दिस, पर्ल टू स्टिचेस, देन टेक द लूप आउट फ्रॉम द फिफ्थ होल, देन निट थ्री स्टिचेस, देन अगेन टेक द लूप आउट फ्रॉम द फिफ्थ होल, रिपीट सेम, पर्ल टू अगेन, फिर से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखें ये तीस बीच बीच वाला फंदा, तीन फंदे हैं ना, अब गिने एक दो तीन, ये देखिए ये होल, सही है, एक दो तीन चार, ये पांच, सही, ज्यादा लूज और ज्यादा टाइट नहीं, जस्ट थोड़ा सा लूज, सही। नाउ नेट थ्री स्टिचेस, वही रिपीट करके दिखा रही हूँ जो भाई हमने रिपीट किया, दो फंदे उल्टे बुने हैं और यस पर्ल टू स्टिचेस और उसके बाद लूप निकाला, तीन सीधे फिर लूप निकाला, बस यही करते जाना है। आपको समझा भी रही होती हूँ और बुन भी रही होती हूँ तो समटाइम्स बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन रिटन इंस्ट्रक्शंस होती है, आप देख लिया करें। फिर से लूप निकालें, ठीक है, फिर से लूप निकाला, बस अब यही रिपीट करना है।
अगेन रिपीट, दो फंदे आपने उल्टे बुनने हैं पर्ल टू स्टिचेस। तीसरा दूसरा फंदा तीन फंदों में से जो दूसरा मिड वाला, मिड 1 2 3 4 5, पांचवा जो होल है उसमें से लूप निकाला, और फिर तीन फंदे सीधे सीधे बुन लिए, सही। फिर से उसी पांचवे फंदे में से लूप निकालेंगे, और आपने क्या करना है, ज्यादा टाइटली नहीं खींचना है इसको। रिपीट अगेन, फिर आपके पास जितने भी फंदे होंगे ना आपने इसी तरह रिपीट करना है, जितने भी फंदे पर्ल टू, दो फंदे आपने उल्टे बुनने हैं और वही रिपीट करना है। मिड वाला 1 2 3 4, ये 5, नॉट टू टाइट, टेक द लूप आउट एंड निट 3 stitches, तीन फंदे सीधे, और फिर से अगेन फ्रॉम द सेम होल, उसी होल में से आपने फिर से निकालना है, टाइट नहीं करना। आखिरी तीन फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे, कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट 3 stitches। भाई जितने भी आपके पास, जरूरी नहीं है ना कि इतने फंदे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो इसी तरह से रिपीट करते जाओगे, दो उल्टे फिर लूप निकाला फिर तीन सीधे फिर आपने एक लूप निकाला, आखिरी तीन फंदे बचेंगे आपके पास, वही आप करेंगे कि भाई दो फंदे उल्टे पर्ल टू और पर्ल द एज स्टिच, एज वाला फंदा उल्टा हम बुन लेंगे। पांचवी सिलाई हमारी ये पूरी हो गई है, अब हमारी 6th रो, छठी सिलाई रॉन्ग साइड, 6th रो रॉन्ग साइड, उल्टी साइड आपके प्रोजेक्ट की। आपने क्या करना है, 8 stitch आपकी मर्जी है स्लिप करें या सीधा बुने, निट द 8 stitch। अब दो फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं, निट 2 stitches, धागा आगे करेंगी आप यार्न फ्रंट, ये जो लूप है ना हमने निकाला इसको आप स्लिप करेंगे, टाइटली नहीं आपने खींचना। और अब आप ये जो तीन बीच में देख रही हैं ना फंदे जो हमने उस तरफ से सीधे बुने थे, इस तरफ से हम उल्टे बुनेंगे, पर्ल 3, स्लिप 1 पर्ल 3 एंड स्लिप दिस लूप अगेन, ये जो हमने निकाला था बाहर पर्ल वाइज, ये इस तरह से। कीप रिपीटिंग दिस नाउ, निट 2 slip 1 purl 3 slip 1, उसी तरह आप रिपीट करें, दो सीधे धागा आगे करेंगी आप, और फिर से ये देखें, एक स्लिप किया स्लिप 1 purl 3, 2 3, और फिर से स्लिप 1, सही है। कीप रिपीटिंग दिस, यही रिपीट करें अगेन, जितने भी आपके पास फंदे होंगे बस यही रिपीट करते जाएंगे आप, दो सीधे धागा आगे एक स्लिप करेंगी, और आपने तीन फंदों को सीधा उल्टा बुन लेना है, और एक फंदा जो लूप है हमारा फिर से उसको स्लिप कर लेंगे इस तरह से, फिर से धागा पीछे यार्न बैक, और दो फंदे सीधे धागा आगे एक स्लिप और पर्ल 3, तीन फंदे उल्टे, फिर से एक स्लिप। नाउ कीप रिपीटिंग टू द लास्ट 3 stitches। भाई यही आपने दो सीधे एक स्लिप तीन उल्टे एक स्लिप करके आखिरी तीन फंदों तक इसी तरह बुन लेना है, और उसके बाद फिर दो सीधे निट 2 and purl 8 stitch, जो एज वाला फंदा है आप उसको उल्टा बुन लेंगे। छठी सिलाई हमारी पूरी हो गई है, अब सातवीं सिलाई राइट साइड, 7th रो हमारी, एक फंदा सीधा वही 8 stitch वाला, और दो फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं पर्ल 2, निट 1 8 stitch एंड पर्ल 2 stitches, यार्न बैक धागा पीछे। अब आपने ट्विस्ट देना है, ये वाला जो लूप है ना इसको इस तरह करना है, सही, और ये दो मिला के ये जो बीच वाले तीन फंदे हैं ना, एक लूप और एक इन तीनों में से फंदा आपने सीधा बुन लेना है, बट
TBL थ्रू बैक लूप, मतलब पीछे वाले लूप से बुनना है पर सीधा इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा निट वन और अब निट टू टुगेदर। आप कहेंगे कि मैंने इसको ट्विस्ट करके सीधा दो फंदों को सीधा बुना, फिर यहां पे सिर्फ टू टुगेदर कर रही हूं, क्यों? क्योंकि वो लीनिंग होती है। मैंने आपको सेपरेटली भी स्लिप स्लिप निट वाली टेक्निक बताई है, निट टू टुगेदर वाली, सारी टेक्निक्स हैं मेरी वीडियोस में, उसमें मैंने बताया है कि डिफरेंस क्या होता है, लीनिंग, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है हर एक स्टेप से। अब ये जो दो फंदे हैं ना, इनको हम सिंपली निट टू टुगेदर करेंगे, दो फंदों को साथ बुन लेंगे, सही है? अब कीप रिपीटिंग दिस, यही आपने रिपीट करते जाना है, दो फंदों को उल्टा बुनना है इस तरह से करके और धागा पीछे करके। मैं दिखा रही हूँ बिगनर के लिए, गौर से देखिएगा, मैं इसलिए नहीं स्किप कर रही। ये देखिए, इसको यूं निकाला और इसको यूं डाला, सही है? और ये दो मिला के हम इनको थ्रू बैक लूप बुन लेंगे तो ऐसा शेप आ जाएगा, बीच में बीच वाला फंदा सीधा और ये निट टू टुगेदर, दो को साथ सीधा साथ बुन लेंगे, ये देखें इस तरह से। अगर मैं इस तरह से इसको स्लिप ना करूं तो इसका शेप इस तरह से नहीं आएगा जैसे आ रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। रिपीट अगेन, कीप रिपीटिंग, पर्ल टू, पर्ल टू स्टिचेस और फिर इसको इस तरह से ट्विस्ट देके देन निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप TBL, निट वन, एक उल्टा और सीधा फंदा और दो फंदे साथ में, यही रिपीट अगेन। ये हमारी सातवीं सिलाई है, दो फंदे सीधे ट्विस्ट देंगे अगेन, जितने भी फंदे होंगे आपने इसी तरह करना है, यही रिपीट करते जाना है, एक फंदा सीधा और ये दो फंदे साथ सीधे, निट टू टुगेदर। ये सिंपल वाला निट टू टुगेदर है, ये हमने स्लिप करके बुना है। अब सारा हो गया, आपके पास जितने होंगे आप इसी तरह रिपीट करते जाएंगे आखिरी तीन फंदों तक, टू द लास्ट थ्री स्टिचेस। नाउ आखिर में क्या करना है, आपने दो फंदे सीधे और सॉरी उल्टे, पर्ल टू टुगेदर, राइट साइड है ना, आपको पता चल जाएगा, आप जब रिपीट करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये राइट साइड है, लास्ट थ्री स्टिचेस, देन पर्ल टू एंड पर्ल एट स्टिच, आखिरी तीन फंदे, दो फंदे हमने उल्टे बुने डिजाइन वाले और आखिरी जो फंदा है एट स्टिच वाला उसको भी हम उल्टा बुनेंगे। ये हो गई हमारी सातवीं सिलाई, सेवेंथ रो कंप्लीटेड। नाउ एट्थ रो, आठवीं सिलाई, दूसरी सिलाई की तरह सेम एज रो टू, एट्थ रो सेम एज रो टू, आठवीं सिलाई दूसरी सिलाई की तरह वही निट एट स्टिच, निट और स्लिप अप टू यू और निट टू स्टिचेस, दो फंदे सीधे और तीन उल्टे, बस यही करते जाएं, दो सीधे तीन उल्टे, दो सीधे तीन उल्टे, दो सीधे तीन उल्टे, आखिरी तीन फंदों तक इसी तरह करते जाएं। ये देखें, दो सीधे तीन उल्टे, आखिरी तीन फंदों तक, अब वही देखें उल्टी साइड है ना, क्या कर रहे थे, आखिरी दो फंदे और तीन फंदों, दो फंदे सीधे बुने और आखिरी एज स्टिच आपने उल्टा बुनना है, आखिरी फंदा हमेशा उल्टा। अब यही आपने करना है कि पांचवी सिलाई से आपने रिपीट करते जाना है, कहां तक, आठवीं सिलाई। नाउ यू विल रिपीट फ्रॉम फिफ्थ रो, कीप रिपीटिंग फ्रॉम फिफ्थ रो, फिफ्थ टू एट, फाइव सिक्स सेवन एट, यू विल कीप रिपीटिंग फोर रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। यहां पे हमने पाउच जो है हमारा वो निडल के ऊपर से नाप रही हूं तो 10 इंच आ रहा है साइज, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखें यू फोल्ड करके देखेंगे ना, फिर आपकी मर्जी है कि आपने कितना रखना है, इतना रखना है और छोटा करना है और बड़ा करना है, आपकी मर्जी है। तो हमने यहां तक इसको बुना है क्योंकि ऊपर बॉर्डर आएगा सेम इसी तरीके का। मैंने इस तरह से हेडबैंड भी बनाना सिखाया हुआ है तो आपने अगर वो देखा है तो आपको पता होगा। अब सेम इसी तरह का इतना ही बॉर्डर यहां से बुन लेंगे, राइट साइड आफ्टर निटिंग 10 इंचेस, 10 इंच बुन लेने के बाद राइट साइड से इस तरह वाला बॉर्डर अब बुनेंगे। नाउ वी विल निट 1 इंटू 1 रिब बॉर्डर, सेम लेंथ
लाइक दिस, उतना उतना जितना हमने वो बुना है. निट वन पर वन, निट वन पर वन. आफ्टर निटिंग एट ओ 10 इंचेस फॉर बॉर्डर, निट वन पर वन, निट वन पर वन, रो वन राइट साइड. एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर है बस, जैसे बुनते हैं ना एक सीधा एक उल्टा, वन इंटू वन रिब जिसे कहते हैं वो. वैसे तो आपकी मर्जी है कि बॉर्डर रखें या इसी तरह ना भी रखें, तो वो ऑप्शनल है. देखिए थोड़ा सा शेप आता है ना इससे, क्यूट लगता है. रो वन, निट वन पर वन, निट वन पर वन. रो वन पूरी हो गई है, रो टू भी सेम रो वन की तरह. रो टू एंड एवरी रो विल बी द सेम एज रो वन. पहली सिलाई की तरह ही होगी, एक सीधा एक उल्टा. जो बुनाई करते रहते हैं उनको पता है, जो कन्फ्यूजन हो वो एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर की वीडियो देख लीजिएगा, सेपरेट है अगेन. उसी तरह ही बुन लें. नाउ निट वन इंटू वन रे बॉर्डर एंड कीप मेजरिंग ऑन दिस. यू कैन काउंट द रोज एज वेल. यहाँ पे देखें, मैंने बॉर्डर बुन लिया है सेम उसी लेंथ का, सही है. अब राइट साइड से हम इसको बंद करेंगे. मैं थोड़ा सा सिलाइयाँ भी आपको गिन के बता देती हूँ. ये देखें, दो चार छः आठ, आठ सिलाइयाँ हमने बुनी है, लेंथ हमें सेम मिली है और नाइन्थ रो पे हम बाइंड ऑफ करेंगे. अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे. क्या करेंगे? रिबिंग बाइंड ऑफ करेंगे. वी विल डू रिबिंग बाइंड ऑफ हेयर. इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट टू सी अ रिबिंग बाइंड ऑफ वीडियो, सर्च रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीड निट्स, मेरे चैनल का नाम है. आपने आप बिगिनर हैं और देखना चाहते हैं तो आप सर्च करें, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, गौर करें. देखिए, सीधे फंदे को सीधा बुन रहे हैं, उल्टे फंदे को उल्टा बुन रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गुजार देंगे. अगेन फिर से सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे और ये गुजारते जाएंगे. अब देखिए आगे वाला उल्टा है ना, तो इसको उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से यूं गुजार देंगे. फिर आगे वाला आपको सीधा मिला हुआ है ना, इसको सीधा बुनेंगे और इस गुजार देंगे. और फिर ये उल्टा मिला हुआ है, इसको कहते हैं हम रिबिंग बाइंड ऑफ. सारे फंदे बंद कर दिए यहाँ पे हमने, ये देखें. अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे. धागे को ज़्यादा काटेंगे ताकि साइड सीने के काम आ जाए. पाउच बना रहे हैं ना हम, पर्स बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा ये देखें, मैंने रिबिंग बाइंड ऑफ किया है, उसकी वजह से ये यूं शेप आया है. अगर आप सीधा बुन के बाइंड ऑफ करते तो ये यूं होता, लटक रहा होता. मैंने जो हेडबैंड वाली वीडियो बनाई है ना इसके साथ, इस डिज़ाइन के साथ, स्टिच पैटर्न के साथ, उधर प्लेन मैंने सीधा बुन के बंद किए हैं. आप वहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि लटक रहा होता है. तो रिबिंग बाइंड ऑफ का यही फ़ायदा है, फ़र्क है कि दोनों एंड जो हैं वो इस तरह से हैं. अब ये हम क्या करेंगे, इसको यूं पकड़ के और यहाँ से लेकर इसको जो है हम बुन लेंगे और सी लेंगे. ज्वाइन हेयर एंड हेयर, जिस तरीके से भी आपको आता हो आप करें, लेकिन धागा मैंने ज़्यादा काट लिया है. अब मैं थोड़ा सा पहले बिगिनर को बता दूं, सही. चाहें तो आप इसको अभी वेविन कर लें, चाहें तो इसके साथ सीते जाएं, भी आपकी मर्जी है. लेट मी शो यू. सही है, उल्टा पकड़ें, ये देखें उल्टी साइड है और आपने यूं, ये देखो बिल्कुल टिप है ना, इससे यूं करके पहले फंसाना है. और अब ये देखें दोनों जो वी शेप्स है ना, ये देखें इनको यूं मिलाते जाना है. हाँ इस तरह से. अब जैसे मैंने ये धागा यहाँ पे फंसाया है ना, ये वाला, इसी तरह आप इसको साथ भी लेके जा सकते हैं यूं करके, ये ऐसे करके, ताकि आपको सेपरेट वेविन की ज़रूरत ना पड़े. एक सेकंड, ये ऐसे करके
पर बिगनर को सही से दिखे इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से आप वी शेप लेंगे। अब आपकी मर्जी है कि ये इसके बीच में दें, इट्स टोटली अप टू यू दैट यू ज्वाइन स्टक दिस इन हेयर और वट एवर यू लाइक वेव इन सेपरेटली, आपकी मर्जी है। पर दोनों वी शेप लेने हैं, यहाँ से लेती हूँ। ये देखें सही है, वो भी साथ साथ जा रहा है। अब आपकी मर्जी है इसको साथ ले जाए या नहीं, इसी तरह बट आपने करना है, फंसाना है। मैं बिगनर के लिए नहीं साथ लेके जा रही, मैं सेपरेट वेव इन करूँगी ताकि उनको दिखे कि यहाँ पे वी शेप जो मैं ले रही हूँ वो कैसे दिखता है। ये देखें वी शेप, वो जो आखिरी साइड पे चेन होती है ना, चेन जैसा लुक आता है वो, ये यहाँ पे देखें ये, और यहाँ से भी इसी तरह आपने लेना है। आप इसी तरह इसको बंद करते जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से धागा बीच में से लेके जाएंगे और यहाँ से भी कर देंगे। यहाँ देखें मैंने पाउच बना लिया है। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह अंदर रखें और टाका लगा दें और यहाँ पे कॉर्ड डाल दें, इस तरह का शेप आ जाएगा। या चाहें तो आप इसकी ये इस तरह से खोल दें, जो इसके कोने हैं बाहर निकाल लें और फिर अपनी मर्जी से यहाँ पे कॉर्ड लगा दें। आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं, आप रिबन भी लगा सकते हैं, आप इधर एक टिच बटन लगा के यूं भी कर सकते हैं, आप पर्स के लिए बड़ी तार भी लगा सकते हैं, जो मैंने पर्स सिखाए हुए हैं ना उसमें आप बड़ी कॉर्ड देख लें किस तरह बनाते हैं, वो भी बना सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारा पाउच रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।